हेलो हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिपल पी कॉर्नर। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से हमें अपने ऑयली स्किन का ध्यान रखना चाहिए, मतलब मैं किस तरह से अपने ऑयली स्किन का ध्यान रखती हूँ। मतलब मेरी नॉर्मल टू ऑयली स्किन है, मतलब गर्मियों में तो सभी की स्किन ऑयली हो जाती है, मतलब बहुत ऑयल प्रोड्यूस करती है, लेकिन मेरी भी वैसा ही हो जाता है। मतलब गर्मियों के सीज़न में मेरी मतलब मेरी स्किन बहुत ऑयल प्रोड्यूस करती है, और जिस दिन मतलब गर्मी बढ़ जाए उसी दिन भी हो जाता है। मतलब मानसून का सीज़न हो या फिर विंटर का सीज़न हो, उसी में भी कभी कभी ऑयल प्रोड्यूस मेरी स्किन कर देती है। मतलब मेरी स्किन नॉर्मल टू ऑयली स्किन है, इसीलिए मैं जो प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ वो भी नॉर्मल टू ऑयली स्किन, मतलब नॉर्मल स्किन के होते हैं या फिर ऑयली स्किन के होते हैं। मतलब कभी कभी मेरी स्किन ऑयली दिखती है और कभी कभी नॉर्मल दिखती है, मतलब कभी कभी पिंपल्स आ जाते हैं और कभी कभी ड्राई नहीं होती है, मतलब ऑयली हो जाती है, या फिर कभी कभी नॉर्मल हो जाती है, पिंपल्स आते हैं दूसरे दिन चले भी जाते हैं, मतलब अपने आप चले जाते हैं, मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ता है। सो मेरी स्किन नॉर्मल टू ऑयली है, मैंने आपको ये क्लियर कर दिया। अब मैं आपको बता दूं कि मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि किस तरह से मैं अपने ऑयली स्किन का, जब मेरी स्किन बहुत सारा ऑयल प्रोड्यूस करती है उस दिन या फिर उस वक्त मैं क्या करती हूँ, मैं आपको बताने वाली हूँ। मतलब उस दिन आपको क्या करना चाहिए, या फिर आपकी स्किन बहुत सारा ऑयल प्रोड्यूस कर रही है, या फिर आपकी स्किन मेरी तरह नॉर्मल टू ऑयली स्किन नहीं है, या फिर आपकी स्किन ऑयली है नॉर्मल नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए, मैं किस तरह से अपना स्किन का ध्यान रखती हूँ वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ, और किस तरह से आप अपने ऑयली स्किन से छुटकारा पा सकते हैं। मतलब मैं जो आपको स्टेप बताने वाली हूँ, या फिर मैं जो आपको टिप्स बोलो, मैं जो आपको बताने वाली हूँ उससे आप अपने ऑयली स्किन से छुटकारा पा सकते हो। मतलब वो आप रेगुलरली यूज़ करोगे तो आपकी जो ऑयली स्किन है वो चली जाएगी, और एक्ने पिंपल्स की जो प्रॉब्लम होती है वो भी चली जाएगी, और आपका जो स्किन जो ऑयल प्रोड्यूस करती है उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा, और आपकी स्किन ऑयली से नॉर्मल हो जाएगी। मतलब और जो आपकी स्किन ऑयली है उससे वो नॉर्मल स्किन के स्किन टाइप के ऊपर आ जाएगी। सो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं मैं किस तरह से आपके आपको जो मैं टिप्स बताने वाली हूँ, मतलब जो 6 टिप्स बताने वाली हूँ वो कौन कौन से हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं आपको आज 6 टिप्स बताने वाली हूँ, आप स्टेप कहिए उसे या फिर टिप्स कहिए, मतलब स्टेप टू स्टेप कर लीजिए, या फिर आप टिप्स कहिए, मतलब आपके जब होता है तब भी वो स्टेप अपना लीजिए, या फिर आप स्टेप टू स्टेप कर सकते हैं, कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी आपको लगा वैसा आप कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर करना। सो टिप नंबर 1 वो है कि अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रही है तो आप दिन में 2 बार अपने स्किन को, मतलब अपने फेस को बेसन, जो चने का आटा होता है, उससे धो सकते हैं। मतलब फेस वॉश जो हम यूज़ करते हैं उसके अलावा बेसन का यूज़ करके अपने स्किन का फेस वॉश, मतलब आप स्किन को अपने हेल्दी रख सकते हैं, और अपने स्किन को हाइड्रेट हो जाएगा, आपकी स्किन जो ऑयली लग रही है वो नहीं लगेगी आपकी स्किन, मतलब ड्राई स्किन वाले बेसन के जो आटा होता है, बेसन होता है, उससे आप उससे फेस वॉश मत कीजिएगा, लेकिन जो ऑयली स्किन वाले हैं वो अपने मतलब आपके जो ऊपर ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है उसके लिए आप बेसन का इस्तेमाल फेस वॉश जैसा कर सकते हैं, फिर बेसन से आटे से आप आपका मतलब फेस धो सकते हैं। सो टिप नंबर 2, अगर आपकी स्किन ऑयली है और आपको एक्ने पिंपल्स आ रहे हैं तो आप ज़रूर, मतलब एलोवेरा जेल आपके पास एक होना ही चाहिए, और आप दिन में 2-3 बार एलोवेरा जेल का यूज़ अपने फेस पर ज़रूर कीजिएगा। मतलब बेसिकली मैं क्या करती हूँ, जब मैं शूट करती हूँ तब मैं मतलब एक दिन में मैं 3 बार तो फेस वॉश कर लेती हूँ, लेकिन मैं एक माइल्ड, मतलब जो माइल्ड सोप होता है उससे मैं फेस वॉश 1 बार करती हूँ, और उसके बाद 2 बार जो मैं फेस वॉश करती हूँ सुबह और रात को, वो मैं अपने फेस वॉश से फेस वॉश करती हूँ, मतलब फेस को वॉश करती हूँ वो मैं अपने फेस वॉश यूज़ करती हूँ। लेकिन जब मैं मुझे मेरे एक्ने पिंपल्स आ जाते हैं, यहाँ पे एक एक्ने था आपको दिख रहा हो जाए छोटा छोटा सा, वो एक्ने था वो मैंने कैसे निकाला, तो मैं क्या करती थी, जब मैं मतलब 3-3 बार मैं फेस वॉश करती थी, मुझे डर लगता था कि कोई मेरी स्किन ड्राई ना हो जाए, स्किन को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, कभी कभी एक्ने आ जाते थे, मतलब मेकअप की वजह से भी एक्ने आ जाते थे, तो मैं क्या करती थी, तो मैं बेसिकली क्या करती थी, जो एलोवेरा जेल होता है उसे मैं यूज़ करती थी,
और मुझे जो अच्छा लगा एलोवेरा जेल वो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि पतंजलि सौंदर्य का जो एलोवेरा जेल है वो आप यूज कीजिए। मतलब मैं कोई पतंजलि सौंदर्य को स्पॉन्सर नहीं कर रही हूँ, मुझे बेसिकली वो अच्छा लगता है वही मैं आपको बता रही हूँ। मतलब मैंने अपने जो एक्ने पिंपल्स आए थे यहाँ पे और यहाँ पे मुझे एक्ने पिंपल्स आए थे, तो मैंने क्या किया था कि मेरे जो पतंजलि सौंदर्य का एलोवेरा जेल है मैं फेस वॉश करती थी और उसके बाद वही एलोवेरा जेल लगाती थी और मैं बस कुछ नहीं करती थी, वही मैं कर लेती थी और फिर मेरे ये एक्ने पिंपल्स आप देख सकते हैं कितने छोटा छोटा हो गए। मतलब कल तक तो ये बड़े बड़े थे, आपने एक वीडियो में देखा होगा कि ये बहुत बड़े बड़े लग रहे थे, लेकिन ये अब छोटे हो गए हैं, मतलब ये अब दब गए हैं, नीचे गए हैं। सो आप भी इसी तरह से कर लीजिए। अगर आपको एक्ने पिंपल्स आ रहे हैं या फिर आपकी स्किन ऑयली है, तो ऑयली स्किन वालों के लिए मतलब एलोवेरा जेल ये आपके लिए तो बहुत ही अच्छा है। मतलब आपके पास एलोवेरा जेल नहीं है तो आज ही खरीद लीजिए एलोवेरा जेल, सॉरी एलोवेरा जेल आपके पास होना ही चाहिए। सो आप बेसिकली एलोवेरा जेल अपने किट में तो ज़रूर रखिएगा। टिप नंबर 3, अगर आपकी स्किन ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रही है, मतलब उस दिन जब जिस दिन आपकी स्किन ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है, या फिर समर का टाइम्स हो, विंटर का टाइम्स हो, या मानसून का भी टाइम्स हो, अभी भी मानसून का टाइम चालू है, फिर भी मतलब बारिश हो रही है, फिर भी आपकी स्किन ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है, कभी कभी बारिश में भी गर्मियाँ हो जाती हैं, मतलब ऐसा पसीना आ जाता है, और उस दिन भी आपकी स्किन अगर ऑयल प्रोड्यूस कर रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपके पास कॉटन का पैड होता है, मतलब मेरे पास जो टुलिप्स का पैड है वही मैं इस्तेमाल करती हूँ, और उससे मैं अपने जो ऑयली स्किन है उससे मैं जहाँ पे ऑयल आ जाता है वहाँ पे मैं डैब डैब करके अपनी ऑयल सोख लेती हूँ, मतलब उसमें कॉटन पैड में वो सोख लेती हूँ। आपको मैं एक ज़्यादा भी टिप्स बताने वाली हूँ, आप इस वीडियो में बने रहिए। और मेरी जो ज़्यादा टिप्स है, मतलब मैं आपको 6 टिप बताने वाली थी, एक बोनस टिप भी अभी मैं बताऊंगी, मतलब 7 टिप आपको मैं बताऊंगी। टिप नंबर 4 जो कि है, आपको अपने फेस के ऊपर शहद लगाना चाहिए, मतलब जो हनी होता है वो आपको आपके फेस के ऊपर लगाना चाहिए। मतलब फेस के ऊपर आप हनी लगा लो और उसके बाद आप अपने चेहरे को मतलब फेस को मसाज कर लो, मतलब यहाँ यहाँ से ऊपर जाओ और यहाँ यहाँ से भी वैसे ही करो, उसके बाद इससे यहाँ यहाँ से ऐसा ऊपर करो, यहाँ यहाँ से ऐसा मतलब ऊपर लेके जाओ, मतलब या फिर सर्कुलर मोशन में आप मसाज कर लो, नीचे मत आओ या फिर खींचो मत, बस मसाज कर लो, और वो भी इतना हल्के हाथों से कर लो, मतलब ज़्यादा प्रेस अपने फेस को मत करो। मैं जब वीडियो बना रही थी तब मेरा मतलब लाइट चली गई, बार बार लाइट जा ही रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं बाहर जाके वीडियो बनाऊं, सो मैं यहाँ बाहर आके वीडियो बना रही हूँ, मैं गाँव पे हूँ, सो मैं बाहर भी आके वीडियो बना रही हूँ, सो प्लीज़ मुझे कोऑपरेट कीजिए और मैं आपको अगला स्टेप बताती हूँ। स्टेप नंबर 6 है जो कि है लॉट्स ऑफ वाटर, मतलब ड्रिंक्स लॉट्स ऑफ वाटर, मतलब आप जो पानी पीते हैं उस वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, मतलब 8 से 9 ग्लास आपको दिन में पानी पीना चाहिए, आपके बॉडी के हिसाब से आपको पानी पीना चाहिए। सो प्लीज़ आप गाइस बॉडी के हिसाब से आपको पानी पीजिए और अपने स्किन को हाइड्रेट रखिए, आपकी स्किन में मतलब पानी जाएगा तो आपकी जो ऑयली स्किन है उससे आपको ज़रूर मतलब जल्दी से जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। और मैं जो आपको बोनस में टिप बताने वाली थी वो ये है कि कई लोग कहते हैं कि हमें अपने फेस के ऊपर जो कोकोनट ऑयल होता है वो नहीं लगाना चाहिए, लेकिन कोकोनट ऑयल होता है वो हमारे फेस के लगाने से हमारे जो ऑयली स्किन होती है, जो फेस होता है वो हमारा ऑयल प्रोड्यूस करना कम कर देता है, मतलब उसे लगता है कि जो कोकोनट ऑयल है जो हमारा फेस का ही ऑयल है, सो हमारे फेस को ऐसा लगता है, उसकी वजह से हमारा फेस ऑयल प्रोड्यूस करना कम कर देता है, और जो कोकोनट ऑयल है वही हमारा ऑयल समझ के वो अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता है या फिर अपने जो प्रोड्यूस करना कम कर देता है, उसकी वजह से आप कोकोनट ऑयल भी अपने फेस के ऊपर लगा सकते हैं, मेकअप रिमूव कर सकते हैं। सो आप बिंदास अपने मेकअप रिमूव करने के कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं। सो यही स्टेप मैं आपको बोनस में बताने वाली थी, प्लीज़ गाइस मुझे कोऑपरेट कीजिए क्योंकि मैं बाहर वीडियो बना रही हूँ, सो प्लीज़ सॉरी गाइस लाइट बार बार जा रही थी इसलिए मुझे बाहर बनाना पड़ा। सो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारे प्यारे प्यारे से कमेंट कीजिए और आपके दोस्तों के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं, और जो सब्सक्राइब के बाजू में जो घंटी है मतलब जो बेल बटन है उसे दबाइए क्योंकि बिल्कुल वो फ्री है, और उससे मैं जो अगला वीडियो लेके आऊँगी, जो मैं बार बार वीडियो लेके आती हूँ, वो सभी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। सो प्लीज़ फ्रेंड
मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो फ्रेंड्स चलते हैं, आज के लिए इतना ही। सो टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स।